हेलो फ्रेंड्स, किचन मिल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सूप की रेसिपी। इससे भी पहले मैंने 4 सूप अपलोड किए हुए हैं। पहला मैंने वेज क्लियर सूप, दूसरा टोमेटो बेसिल सूप। टोमेटो बेसिल सूप में मैंने कॉर्नफ्लावर काम में नहीं लिया है, उसको भी हेल्दी तरीके से बनाया है। तीसरा पालक सूप, इसमें भी मैंने कोई डेयरी प्रोडक्ट काम में नहीं लिया है, इसको भी हेल्दी तरीके से बनाया है। और चौथा है ब्रोकली सूप, ये भी काफ़ी हेल्दी सूप है। और आज भी मैं एक और सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ, उसका नाम है कॉलीफ्लावर सूप, फूल गोभी का सूप। ये सूप अपने आप में बहुत डिफरेंट है, इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट आता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने फूल गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, उसका स्टॉक भी काम में लिया है, जो नीचे का पार्ट होता है उसमें फ्लावर्स भी काम में लिए हैं, पूरी गोभी को ही काम में लिया है। ये 200 ग्राम गोभी है, एक मीडियम साइज का इसमें आलू डालेंगे। ये स्टार्च का काम करता है, ये थिकनेस करेगा सूप में और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। इसके भी मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। 3 टेबल स्पून बटर डालेंगे, 1/4 छोटे साइज का प्याज है इसको काट के इसमें डालेंगे। इसको हम हाई फ्लेम पर लाइट पिंक होने तक पकाएंगे। आंच के लिए हम लहसुन की डालेंगे, 10 से 12 काली मिर्च। अब हमें आलू को डालना है, फूल गोभी को भी डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे। हाई फ्लेम पर एक इसमें उबाल लेनी है। आप देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे। इसको हमें जब तक पकाना है जब तक गोभी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए, इसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। लो फ्लेम पर ही हमें इसको पकाना है। गोभी अब अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, इसको पकने में ठीक 20 मिनट लगे हैं। देखिए आलू भी सॉफ्ट हो गया, गोभी भी अच्छे से पक गई है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमें इसको अच्छे से ठंडा करना है, इसकी हमें प्यूरी बनानी है। प्यूरी बनकर रेडी है, वापस हम उसी बर्तन में इसको डाल देंगे। गैस ऑन कर लेंगे। अब हमें इसे थोड़ा गर्म करना है। थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें 1 कप दूध डालेंगे। अब इसको हम थोड़ा लगातार चलाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए। अब इसमें उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम लो कर देंगे। अब हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब आप अपने अकॉर्डिंग नमक काली मिर्ची डाल सकते हैं। काली मिर्च मैंने पहले डाली हुई है, यदि आपको कम लगती है तो इसका पाउडर डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून चीनी, ये ऑप्शनल है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूप बनकर रेडी है, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। आप देखिए इसकी थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसको हम हरा धनिया डालकर सर्व करेंगे। बताइए फ्रेंड्स, आपको सूप की रेसिपी कैसी लगी? आप भी इसे बनाना जरूर ट्राई करना। फिर मिलेंगे एक और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।